राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के बाद आए नतीजे और क्रॉस वोटिंग को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस बचती है या नहीं, ये देखने लायक है। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राष्ट्रपति चुनाव की क्रॉस वोटिंग पर कहा कि कमलनाथ के साथ विधायक गए तो सत्ता चली गई, सत्ता गई तो साख और अब तो नाक भी चली गई। राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्होंने विधायकों के ईमान पर सवाल उठा दिया था। विधायकों को कमलनाथ ने बिकाऊ बता दिया था। जर्जर होती कांग्रेस में आखिरी कील भी ठुक गई है। पूरे प्रदेश में दो प्रदेश ऐसे हैं जहां इतनी बड़ी मात्रा में क्रॉस वोटिंग हुई है, इनमें से एक मध्य प्रदेश भी है। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि मैंने चुनाव से पहले ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी से कहा था कि जनजाति क्षेत्र से सांसद रहे हैं, पहले जनजाति वर्ग का सम्मान करते तो अच्छा होता। पहले इन लोगों ने बात नहीं मानी तो अब विधायकों ने इनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हर बार विधायकों पर बिकने का टैग लगा देते हैं। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते तो गाड़ी से उतरकर बात करते हैं, भुट्टे की राशि से ज्यादा पैसा दिया। कुलस्ते भी जनजाति वर्ग से आते हैं और कांग्रेस उन पर सवाल उठा रही है और यही कारण है कि कांग्रेस हारती है। वहीं सागर यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा पढ़े जाने के मामले में वहां के एसपी और अन्य अधिकारियों से जानकारी मंगवाई गई है। उन्होंने कहा जानकारी सामने आने के बाद ही इस मामले में कुछ कहना उचित होगा। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज पर 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके अपनी भूमिका निभाई है, उनका वो धन्यवाद करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने उन पर दबाव डाला। उनका कहना है कि कल इस देश में ऐतिहासिक निर्णय हुआ, आजादी के 75 वर्ष के बाद जनजाति बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए चुना गया। पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना चाहिए। यदि कमलनाथ आदिवासी विरोधी नहीं है तो वो बताएं कि क्या उन्होंने भी 19 लोगों में वोट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।